अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैं रमज़ान के स्पेशल प्रोग्राम की वजह से, रमज़ान की अफ्तारी की वजह से मैं बना रही हूँ बूंदी। ये मैंने बेसन लिया, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। और उसके लिए, दही के लिए मैंने ये ये प्याज लिए, ये सब्ज मिर्चें लिए, ये टमाटर लिए और ये हरा धनिया लिए, ये दही लिए। ठीक है जी, पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये बहुत सिंपल रेसिपी है। आप इसको दही बूंदी इसे कहते हैं। आप इसे आराम आराम से बना के रख लें एक डिब्बे में डाल के, तो आप बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है जी, ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालती हूँ मैं। इसको थोड़े थोड़े पानी को डालना है और बिल्कुल क्रीम सा बना लेना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इतना इसको करना है आपने कि इसका कलर चेंज कर देना। ठीक है जी, ये बस इस तरह इसको पीटर के साथ फेंकना है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हमने करना है ताकि इसमें, ये देखिए अभी ये बना नहीं है, अभी थोड़ा सा पानी और डालूंगी बस। इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लेना है और इसके बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ठीक है जी, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए, बड़ी इजी रेसिपी है। आप इफ्तारी में बजाय दही भल्ले या इस तरह की, कभी कभी जी चाहता है कि हल्की फुल्की चीज़ भी हो, तो ये बना के इफ्तारी में रखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत टेस्ट मिलेगा आपको। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल क्रीम जैसी हो जाएगी, जैसे क्रीम होती। देखिए व्यूवर्स, आपने ना इस तरह बनाना है, ऐसे पकड़ा और यूँ ये कफकीर को पकड़ा और इसको ऊंचा रखना है, आपने नज़दीक नहीं रखना। यूँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है। ये देखिए, ज़बरदस्त बन गई है। ये देखिए, ये देखिए व्यूवर्स कैसे आराम से फूल रही है। ठीक है जी, फिर आपने इसी तरह करना है, इसी तरह आपने ऊंचाई पे रखना है और यूँ कर सकते हैं। तैयार होंगी, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह आपने इसको निकाल लिया। ठीक है जी, अगर आपके पास नॉन स्टिक का नहीं है तो आप इस तरह स्टील का कफकीर लें और यूं करें। ये देखिए, यूं देखिए, यूं देखिए। ठीक है जी, यूं करते करें। ये बिल्कुल तैयार हो गया, अब मैं इसको दही के अंदर डालूंगी। ठीक है जी, अब मैं इसको दही के अंदर डालती हूँ। ये मैंने दही लिया, इतना फेंकी है। ये देखिए, अच्छी तरह इसको बीट कर लिया मैंने। ये देखिए, ठीक है जी, जितनी मुझे दही की ज़रूरत होगी मैं उतनी ही डालूंगी। ठीक है, ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी। थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी। ठीक है, आप चाहिए तो, आप चाहें तो इसके अंदर वो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको पसंद हो। ठीक है जी,
अब मैं इसमें ये भिंडियाँ डाल दूंगी। ये मैंने दही डाल दी है इसमें, वो उसमें दही कम लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसमें डाल दी। ठीक है जी, ये देखिए अब मैं इसमें ये डाल दूंगी सारे। ये बिस्मिल्लाह, कितने अच्छे मजे के बने हैं ये देखिए। अब इसमें मैं ये टमाटर डालूंगी, बीज मैंने निकाल दिए हैं टमाटरों के, ये टमाटर डाल दिए। ये मैंने सब्ज मिर्चे डाल दी, ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, ये देखिए। ठीक है जी, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ये इफ्तारी के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये देखिए, सब खुश होके खाएंगे, एक मुनफरद टेस्ट मिलेगा। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इस पर डाल दिया, ये देखिए थोड़ा थोड़ा धनिया स्पिन कर। विवर, ये था हमारा आज का व्लॉग, आज हमने बनाया दही बूंदियाँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इफ्तारी के लिहाज से बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसका मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सी रेसिपी दही बूंदी। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये हमारा इफ्तार स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, आप हमारे इफ्तार स्पेशल प्लेलिस्ट को डाउनलोड कीजिए और हासिल कीजिए मज़ेदार इफ्तार रेसिपीज़। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, अल्लाह नगेबान।